हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको मनोरंजन की दुनिया की दिलचस्प कहानियां और अपडेट्स से रूबरू कराते हैं। आज का हमारा वीडियो फ्रेंडशिप डे के मौके पर है। दोस्ती का जश्न मनाना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती में विश्वासघात कितना गहरा हो सकता है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी फिल्मों की लिस्ट जो आपको दोस्ती के काले पहलू से रूबरू कराएंगी। ये वो फिल्में हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि दोस्ती में सबसे बड़ा धोखा क्या होता है, यार की पीठ में छुरी या दिल पर वार। चलिए शुरू करते हैं। पहली फिल्म है ओंकारा। दोस्तों, शेक्सपियर के नाटकों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर विश्वासघात के बारे में। विशाल भारद्वाज की यह फिल्म शेक्सपियर के ओथेलो पर आधारित है। फिल्म में सैफ अली खान का किरदार लंगड़ा त्यागी, जो ओंकारा, अजय देवगन और केसु फिरंगी, विवेक ओबेरॉय के बीच दरार पैदा करता है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक दोस्त का धोखा पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगली फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म में दोस्ती और विश्वासघात को नए तरीके से पेश किया गया है। फरहान अख्तर का किरदार इमरान कुछ साल पहले ऋतिक रोशन के किरदार अर्जुन की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर में था। यह सच तब सामने आता है जब अर्जुन और इमरान के बीच बहस होती है। फिल्म के अंत में दोनों दोस्तों के बीच सुलह हो जाती है, लेकिन यह दिखाती है कि कैसे एक छोटे से धोखे से दोस्ती टूट सकती है। तीसरी फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यह फिल्म कॉलेज रोमांस और विश्वासघात पर आधारित है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार अभी आलिया भट्ट के किरदार शनाया के प्यार में पड़ जाता है, जबकि शनाया पहले से ही वरुण धवन के किरदार रोहन को डेट कर रही होती है। इस वजह से उनके रिश्ते में तनाव आ जाता है और उन्हें अपने पास्ट का सामना करना पड़ता है। चौथी फिल्म है अजनबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार अपने ही दोस्त बॉबी देओल को धोखा देते हैं। करीना कपूर और बिपाशा बसु के साथ मिलकर वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे बॉबी देओल की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक दोस्त का धोखा किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। पांचवी फिल्म है रेस। इस फिल्म में सैफ अली खान का किरदार रोनी अपनी विधवा पत्नी के धोखे का शिकार होता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और भाई मिलकर उसे मारने की योजना बना रहे थे। यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस पर विश्वास किया जाए। और आखिरी फिल्म है बॉडीगार्ड। इस फिल्म में करीना कपूर का किरदार माया अपनी सबसे अच्छी दोस्त को धोखा देती है। वह छाया बनकर लवली सलमान खान के साथ भाग जाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक दोस्त का विश्वासघात सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो फिल्में जो आपको दोस्ती में धोखे का गहरा एहसास कराएंगी। अगर आप भी ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं और दोस्ती के नए पहलुओं को देखना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं। इन्हें आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और दोस्तों का ध्यान रखिए।